गलत था, लेकिन मैंने इस प्यारी सी आजमगढ़ की टीम में बाकी और जो भी टीमें हैं उन लोगों ने साथ निभाया, काम किया और घर पर बैठे बैठे मैं उस समय टोपाज हो गया था, 1.5 लाख रुपए का चेक आया था, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा पापा का क्लियर वर्क करने के लिए। लॉकडाउन के अंदर जहां लोगों के पैसे आने बंद हो जाती है, उस लॉकडाउन के अंदर यह दुनिया 2,10,000 तक में है, 2,10,000। और फिर उसके बाद काम की शुरुआत किया और स्पीड से मुझे यह लगा यार, जब 15 दिन पर मैंने कुछ नहीं किया तो बाद लेवल हो सकता है, पैसा आ सकता है, तो जब मैं मेहनत करूंगा तो क्या होगा। और आज मैं आपको बताऊं, आज यादू यादू जल्दी घर नहीं जाता, काम करता, क्यों काम करता है पर्यावरण मेरे गधे की तरह मेहनत करने से हमारा परिवार खुशहाल होता है, तो मैं गधा बन गई थे। मैंने करना चालू किया, आज शुरुआत करते करते आज धीरे धीरे करते दिन महीने के 20-22 दिन घर से बाहर रहकर काम करते हैं। अभी रूबी स्टार हुआ है और रूबी स्टार के जो मेरी इनकम बनी है दोस्त, वो आप लोगों के सपोर्ट और आप सभी प्यारी की टीम के वजह से और सर के सपोर्ट की वजह से बना है। इस जो महीने की मेरी इनकम बनी है आप उसे चेक करके जाना, 1 महीने की इनकम टोटल 2,90,000 रुपए की है, 2,90,000 मेरे बच्चों में आते 10 लाख रुपए का सिर्फ 2 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर। मैं ये नहीं कहता मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेहनत तो सब करते हैं, एक खेती वाला भी मेहनत करता है, पौधा भी मेहनत करती है, घर में खाना बनाना, स्कूल भेजना बच्चों को, सब कुछ करना, हर इंसान यहाँ मेहनती है। लेकिन एक बात है, अगर मेहनत करने वाले को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इंसान तरक्की कर जाता है, या नहीं है? वो प्लेटफॉर्म बस नहीं था, वो प्लेटफॉर्म मिला, मेहनत करना जानता था, 1500 रुपये की नौकरी करता था कभी मेडिकल पे, और 1500 रुपये की नौकरी, उस नौकरी इसका छोटा सा दुकान था, नौकरी करता था उसमें, स्कूल से आता था वहाँ जाता था, उसके बाद 11-12 बजे निकलता था, घर जाता था, अकेले खाना खा के सोना पड़ता था, देता कितना था 1500 रुपया। और जब वहाँ से रात को निकलता था उस मेडिकल स्टोर में से, तो ऐसा लगता था दोबारा रजू पैदा हुआ, इतना ज़्यादा मेहनत करवाते थे। इस काम को